हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो दोस्तों समग्र पोर्टल की तरफ से भी समग्र ऐप्स लॉन्च कर दिया गया है आप जो इसे डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हो अब यहां पर काफ़ी सारी सुविधा दे रखी है भाई कौन कौन सी सुविधाएं हैं आप कैसे यूज़ कर सकते हो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो देखिए भाई सब पहले हम क्या करते थे समग्र पोर्टल पर जाते थे यहाँ पर केवाईसी वगैरह यहाँ से कुछ प्रिंट निकालना हो या कुछ भी करते थे तो हम यहाँ पर समग्र पोर्टल से जो है काम किया करते थे पर अब यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा ये वाला क्यू कोड स्कैन कर कर भी आप जो है एप्स को डाउनलोड कर सकते हो तो अब जो है समग्र पोर्टल ने समग्र ऐप्स वैसे लॉन्च कर दिया है तो आप डाउनलोड कर ले भाई अब ऐप्स डाउनलोड करने के बाद इसमें क्या क्या आप कर सकते हो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो सबसे सब पहले तो हम जो है इस ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं जो कि हम प्ले स्टोर से करने वाले हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों आप कर सकते हैं क्यू कोड स्कैन कर भी आप कर सकते हो देखिए दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर ऐप्स को डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद जो ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें तीन ऑप्शन नज़र आते हैं ई e के वाई सी प्रोफाइल लॉग इन और विभागीय लॉग इन तो अब भाई यहाँ पर विभागीय लॉग इन का ऑप्शन जो है हमारे काम का है नहीं हमारे काम के यहाँ पर दो ऑप्शन है ई के वाई सी और प्रोफाइल लॉग इन अब भाई ई के वाई सी वाले ऑप्शन में आप किस तरह से अपनी ई के वाई सी कर सकते हो वो भी हम देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आपको समग्र सदस्य आईडी दर्ज करें अब जिसका आपको ई के वाई सी करना है उसका आपको समग्र आईडी डी यहाँ पर डालना होगा कैप्चर कोड डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर भाई जैसे कि हम के पोर्टल पर जाकर करते थे जो समग्र पोर्टल है वहाँ पर सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी होगी अब मेरे पास यहाँ पर ई के वाला कोई है नहीं वरना मैं आपको वो भी बता देता और हमारी जो के वाई सी है वो पहले से ही कम्प्लीट हो चुकी है और लगभग बहुत सारे लोगों की जो के वाई सी वो बहुत पूरी हो चुकी है मतलब है ना क्योंकि बहुत जो के वाई सी का काम है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है तो लगभग के वाई सी वाले तो हो चुके हैं पूरे पर फिर भी भाई जिन लोगों को सुधार करना है वो ई के वाई सी के माध्यम से यहाँ पर कर सकते हो तो ये वाला ऑप्शन भी बहुत अच्छा लगा भाई क्योंकि लोग पोर्टल पर जाकर करते थे तो अब ऐप्स के माध्यम से डायरेक्ट कर पाएंगे अब यहाँ पर देखिए आप दूसरा ऑप्शन है प्रोफाइल लॉगिन का अब भाई प्रोफाइल लॉगिन आप कैसे करना है आपको तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं अब यहाँ पर समग्र सदस्य आईडी दर्ज करें अब आपकी जो आईडी है वो आपको यहाँ पर डालना होगा पर्सनल आपकी जो आईडी है वो कैप्चर कोड डालना है और सबमिट कर देना है आपको सबमिट करने के बाद देखिए आपका आईडी और आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहां पर आ जाएगा अब ओ जनरेट करें यहां पर आपको क्लिक कर देना है तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं अब एक ओ आपके मोबाइल पर आएगा वो आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा ओ सबमिट करने के बाद देखिए आपकी जो जानकारी है भाई वो यहाँ पर आ जाएगी आप चेक कर सकते हो ठीक है अब देखिए आपको यहाँ पर आपकी जो जानकारी वो नज़र आ जाएगी आपकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे परिवार की जानकारी और आपकी जो जानकारी करेक्शन आपको अगर करना है तो वो वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है तो हम यहाँ पर हमारी जो जानकारी है उसमें अगर करेक्शन करना है कुछ भी तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आप नाम जन्मतिथि लिंक वगैरह को जो है ई के के माध्यम से करेक्शन कर सकते हो इसके बारे में पढ़ने के लिए आपको जो है यहाँ पर आई बटन दिया हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो यहाँ पर दिए हुए हैं आप महत्वपूर्ण निर्देश पढ़कर अपना जो नाम में करेक्शन करना है डेट ऑफ बर्थ में करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम अगर आपको करेक्शन करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो ठीक है और माता का नाम पिता का नाम अगर आपको सुधारना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो सेक्शन योग्यता कर सकते हो श्रेणी को यानी कि करे आपकी जो कास्ट है वो आप सुधार सकते हो मूल निवासी प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र वगैरह आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो तो इतना काम आप यहाँ पर कर सकते हो भाई काफ़ी अच्छे जो है यहाँ पर सुविधा दी है इस ऐप्स में क्योंकि ये जो ऑप्शन है इनके लिए हमें काफ़ी टाइम लगता था हम ऑनलाइन पर जाते थे फिर वहाँ पर बैठ काफ़ी समय लगता था वैसे तो यहाँ पर सारे काम जो है आप खुद यहाँ पर कर सकते हो भाई है ना तो अब यहाँ पर देखिए पिता का नाम अगर आपको सुधारना है तो यहाँ पर क्लिक करें आप अब यहाँ पर पिता का नाम अ... सुधारने के लिए अगर आपके पास आपके पिता की आईडी है तो आप हाँ करें नहीं तो नहीं पर क्लिक करें अब फिर आपको अपने पिताजी की जो आईडी है भाई वो यहाँ पर दर्ज करना है और खोजे पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर देखिए आप जब आईडी डालोगे तो आपके पिताजी माताजी के जिसका भी आपको नाम करेक्शन करना है उनकी डेट ऑफ उनकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आ जाएगी अब जो डिटेल्स आप चेक कर लें और यहाँ अनुरोध करें ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है अनुरोध पर आप क्लिक करोगे तो आपकी जो आईडी है भाई उसमें करेक्शन हो जाएगा करेक्शन कब होगा जब आप अनुरोध करोगे अनुरोध करने के बाद जब वहां पर वेरीफाई हो जाएगी आपकी डिटेल्स जब आपकी आईडी में करेक्शन हो जाएगा यानी कि जैसे हम ई के करते हैं सेम वही ऑप्शन यहां पर भी है तो आप इस तरह से जो है अपने माता पिता का नाम भी यहाँ पर सुधार सकते हो और ऑप्शन देख लेते हैं भाई हम यहाँ पर ठीक है तो शैक्षणिक योग्यता वगैरह सुधारना है सेम यही का यही ऑप्शन आपको स, अ, मिल जाएगा ठीक है शैक्षणिक शैक्षणिक योग्यता अगर सुधारना है आपको विवरण भरना होगा यहाँ पर है ना तो यहाँ पर बोर्ड विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड वगैरह आपको डालना होगा कब आपने पास किया क्या किया है ना तो भाई सारी जानकारी आप भरते हैं यहाँ पर अब आपको देखिए यहाँ पर एम बोर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता दसवीं बारहवीं है ना और उत्तीर्ण वर्ष दर्ज करें रोल नंबर दर्ज करें और दस्तावेज अपलोड करें आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पर सुधर जाएगी आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कर कर भाई देख लें है ना यहाँ पर सारा कुछ महत्वपूर्ण निर्देश वगैरह दिए हुए हैं अब मैं एक एक ऑप्शन बता नहीं सकता काफ़ी टाइम हो जाएगा भाई बाकी काफ़ी सरल है आप कर सकते हैं मुझे पूरा विश्वास है ठीक है तो भाई इतना काम आप यहाँ पर कर सकते हो अब यहाँ पर फिर से हम बैक आते हैं और देखिए यहाँ पर आप परिवार की जानकारी देखें यहाँ पर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर परिवार की आईडी मुखिया का नाम परिवार में सदस्यों की संख्या परिवार का पता इसके बाद परिवार का विवरण देखें यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है जिससे कि आप अपने परिवार का जो भी मतलब सदस्य है उसकी आईडी डी यहाँ पर देख सकते हो तो भाई ये ऐप्स जो है अभी इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है मैं यही बोलूँगा अभी तो है ना पर यहाँ पर जो है काफ़ी स्लो चलता है बार बार ओ वगैरह जनरेट करता रहता है तो देखिए यहाँ पर जो सदस्य हैं हमारे परिवार के उनका जो डिटेल्स है भाई वो यहाँ पर फोटो के साथ पूरा शो होता है ये बात अच्छी लगी मुझे क्योंकि यहाँ पर फ़ोटो के साथ पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी आप चेक कर सकते हो जितने भी सदस्य हैं सभी का फ़ोटो आ जाएगा और फोटो आएगा आधार कार्ड वाला है ना तो भाई जो आधार कार्ड में फोटो है वही आ, फोटो यहाँ पर नज़र आएगा पूरी डिटेल्स आपको नजर आ जाएगी जिन लोगों की केवाईसी होगी सिर्फ उन्हीं का यहाँ पर डेटा आपको नजर आएगा तो इस तरह से आप जो है अपने सदस्य की पूरी जानकारी यहाँ पर फोटो के साथ देख सकते हो अब भाई आप अपना जो समग्र आई कार्ड है वो भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो तो लास्ट में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और नीचे की ओर आना है जहाँ पर लास्ट आपका जो मेंबर है भाई उनके नीचे लिखा रहेगा आपका जो आ, कार्ड है उसका ऑप्शन तो देखिए यहाँ पर परिवार का कार्ड डाउनलोड परिवार कार्ड डाउनलोड करें यहाँ पर लिखा हुआ है है नहीं ना तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो यानी कि अपनी समग्र आईडी डी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और पीडीएफ सेव करने वाले ऑप्शन पर जाकर आपको पीडीएफ सेव कर लेना है तो इस तरह से आप अपना जो समग्र कार्ड है वो भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो तो भाई इतने यहाँ पर ऑप्शन थे जो कि मैंने आपको बता दिए दोस्तों और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो कमेंट करें दोस्तों और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों ताकि इस तरह की और वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लाता रहूँ